नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें या कानून व्यवस्था की बात करें, तो हर सिस्टम में हर जगह एक बड़ा सुराख दिखता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामाजिक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के प्रति उनकी सरकार सख्त है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की खैर नहीं है। सरकार ऐसे लोगों का यानी अपराधियों का जीना हराम कर देगी, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है, विकास के रास्ते पर चल रही है और सरकार समाज के यानी जनहित में सभी वह कार्य कर रही है जो आवश्यक है। और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश विकास की जिस राह को पकड़ा है, अपने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अन्नदाता किसानों के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जिन संकल्पों के साथ सरकार आगे बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या घोषणा तो कर दी, अपने संबोधन में कह दिया और संदेश दे दिया उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में SGPGI है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, रायबरेली में एम्स है, गोरखपुर में एम्स है और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं और 20 मेडिकल कॉलेज और तेजी से बनकर तैयार हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उनका संकल्प है, उनकी कोशिश है, उनकी योजनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अवश्य होगा और वह इस दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं। यह तो बात हुई सरकार क्या कर रही है और क्या उसे करना चाहिए। अब बात करते हैं आम आवाम की यानी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की। उत्तर प्रदेश में गांव से लेकर शहर तक, मेगा टाउन तक, हर जगह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं, सेवाएं उपलब्ध है। गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं तो शहरों में मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े अस्पताल होते हैं। जी हां,
या हेल्थ का एक सिस्टम है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं की का एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। अभी हाल में एक वीडियो सामने आया जो पूरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल देता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावों पर एक सवालिया निशान लगा देता है। यह उत्तर प्रदेश का वीडियो है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गर्भवती महिला प्रसव के लिए अस्पताल आती है परिजनों के साथ, लेकिन अस्पताल उसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं सेवाएं नहीं दे पाता है और वह महिला, गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल के बाहर होता है। ना कोई डॉक्टर देखने आता है, ना कोई नर्स देखने आता है आती है। महिला के परिजन अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। कहां गया इसके, सरकार बैठा है डॉक्टर ना, कहां भाग गया यहाँ? सही गया, कौन सरकार की वेतन खा रहा है यहाँ? वो वेतन खा रहा है कि फालतू में वो डॉक्टर क्या बना है, ताई माई बनी है? शांत रह बेटा, आज 50,000 रुपया चले हम फूक दे, मगर यहाँ इनका नहीं है तो काम मतलब हुआ। अरे बड़ा तू फोटो चलो खाने खुल जाने के लिए बिना ऋण का वो आदमी कहिला था, वो आदमी कहिला था, आज वो आदमी मर जाएगा तो कौन दंड भागी होगा? आप ही के लिए हो गया, आप ही भागी। जैसे भागी सुनो, इस तरह से पूरे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का जो क्रियाकलाप है, उसकी जो कार्य संस्कृति है, उसकी जो संवेदनाएं हैं, वो स्पष्ट रूप से इस घटना से सामने आ जाती है। इस वीडियो ने उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पर एक करारा तमाचा जड़ा है। आप भी इस वीडियो को देखिए कि उत्तर प्रदेश में जहां एक भारी भरकम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की के सिस्टम की एक लंबी चेन है, लंबी श्रृंखला है, वहां क्या हो रहा है, यह आप भी इस वीडियो में देखिए कि संवेदना कहां है, सेवाएं कहां है, सुविधाएं कहां है और मरीज कहां है। कहां गया इसके, सरकार बैठा है डॉक्टर ना, कहां भाग गया यहाँ? सही गया, कौन सरकार की वेतन खा रहा है यहाँ? वो वेतन खा रहा है कि फालतू में वो डॉक्टर क्या बना है, ताई माई बनी है? शांत रह बेटा, आज 50,000 रुपया चले हम फूक दे, मगर यहाँ इनका नहीं है तो काम मतलब हुआ। अरे तू फोटो लग चलो खाने पर खुल जाने के लिए खाने पर बता यहाँ सब जाने आई है ना, वही पास नहीं हो रहे हैं, नहीं खोला घर का मरवा तो बिना ऋण का वो आदमी कहिला था, वो आदमी कहिला था, आज वो आदमी मर जाएगा तो कौन दंड भागी होगा? आप ही के लिए हो गया, आप ही होंगे दंड भागी। जैसे भागी सुनो, आपने इस वीडियो में देखा कि महिला और उसके परिजन किस तरह से अस्पताल के बाहर खड़े होकर तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे हैं।
महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन न कोई डॉक्टर देखने आया, न कोई नर्स देखने आई, और न कोई दवा दी गई, न कोई इंजेक्शन लगाया गया। परिजनों ने आक्रोश व्यक्त किया। अब इसके आगे देखिए, यह तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एक बानगी भर है, यह वीडियो सामने आया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की, यानी गरीब बीमार कहां जाए, यह वीडियो तो सामने आया। अनगिनत घटनाएं ऐसी होती हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई कि मरीज तड़पते रहते हैं, ना उनका कोई हाल पूछने वाला होता है, ना उनको कोई देखने वाला होता है, ना उनको कोई दवा देने वाला होता है। अब इसी के साथ बात करते हैं एक और सिस्टम की, शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग जो देश के कर्णधार तैयार करने की जिम्मेदारी जिस पर है, ऐसे शिक्षा विभाग की एक बानगी देखिए, जो अभी उत्तर प्रदेश के एक शहर उन्नाव से सामने आया है वीडियो। इस वीडियो में साफ दिखाया गया है कि बच्चे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं यह जानने की कोशिश किसी ने नहीं की, किसी ने से आशय है, न शिक्षा विभाग ने जानने की कोशिश की, न विद्यालय के प्रबंधन ने जानने की कोशिश की। इन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना था कि उनके अभिभावक बच्चों की निर्धारित फीस या शुल्क समय पर विद्यालय में नहीं जमा कर पाए, जिसके बाद यानी फीस न जमा होने के कारण विद्यालय ने इन बच्चों को परीक्षा से वंचित कर दिया, और परीक्षा न दे पाने के कारण बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है, न सरकार है और न विद्यालय प्रबंधन है। कहीं ना कहीं इसमें रोजी रोजगार नौकरियों की बात आती है, क्योंकि इन बच्चों के अभिभावक अगर उनके पास पैसा होता तो निश्चित रूप से वह समय पर फीस जमा करते, जिससे आज यह नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं उनके अभिभावकों के पास न रोजगार है, न नौकरी है, फाका कसी लगता है कि फाका कसी से परिवार गुजर रहा होगा, जिसके कारण वह बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाए। यह तो शिक्षा व्यवस्था की एक बानगी है। आप भी इस वीडियो को देखिए कि कैसे बच्चे बिलख रहे हैं, फीस न जमा होने के कारण उनको परीक्षा से वंचित किया गया। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके सामने अवरोध है। नहीं गए, क्या नाम है? कहाँ रहती हो? बैठो। कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी, क्यों निकाला गया आपको? सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी दो दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया। इन लोगों ने हमको खड़ा रखा है पूरा दिन खड़ा रखा। आपने इस वीडियो को देखा कि किस प्रकार बच्चे बिलख रहे हैं परीक्षा न दे पाने के कारण। यह उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग की पोल खोलता है और उस सिस्टम पर एक करारा तमाचा जड़ता है, जो बड़े बड़े दावे के साथ सरकार सामने आती है कि शिक्षा विभाग ने यह कारनामा किया है, वह कारनामा किया है। शिक्षा विभाग की यह पोल खुली, इसके पहले आपने कुछ चीजें और देखी। अब इसके आगे चलिए, आइए बात करते हैं विकास कार्यों की। बारिश में अधिसंघ सड़कें बर्बाद हो जाती हैं, उनमें गड्ढे हो जाते हैं, वो चौपट हो जाती है। इस बार बारिश में ऐसे ही हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, एक परंपरा है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है कि बारिश के बाद शासन की ओर से विभागों को एक सर्कुलर आता है, चाहे वह PWD हो यानी लोक निर्माण विभाग हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, स्थानीय निकाय हो या लोकल बॉडी कोई भी हो, उसको एक सर्कुलर आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
इसी क्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश के खराब और बदहाल सड़कों की मरम्मत और उनके गड्ढे 15 नवंबर तक हर हाल में भर दिए जाए। परंपरा है, हर साल इस तरह के सर्कुलर आते हैं, विभाग उनको देखता है और विभाग कोशिश करता है कि गड्ढे भरे जाएं, लेकिन गड्ढों में कहीं मलबा डाल दिया जाता है, कहीं उसको किसी सतही तौर पर भरकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जैसे पहले सड़कें होती हैं वह अपना पूर्व स्वरूप वापस नहीं पा पाती हैं सड़कें। अब इसके आगे की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का एक शहर है पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर के ग्रामीण इलाके का एक वीडियो और सामने आया, जो विकास कार्यों की यानी जो यह फरमान आया है गड्ढा भरने वाला, इसकी पोल खोलता है। पीलीभीत के गजरौला ग्रामीण इलाके में एक करीब 1500 यानी करीब 1500 मीटर लंबाई वाली सड़क का निर्माण किया गया। सड़क के निर्माण में तार कोल और गिट्टी मिक्स कर केवल बिछा दी गई, यह सतही विकास कार्य हुआ। वीडियो में दिखा कि किस तरह से स्कूली छात्र और युवाओं ने उस गिट्टी को, जो तार कोल मिली हुई गिट्टी थी, हाथ से ही हटा दिया तो वो साफ हो गई, यानी विकास कार्यों की गुणवत्ता की धज्जियां हो गई। यह वीडियो में साफ दिख रहा है कि विकास कार्य कैसे हुए, गड्ढे कैसे भरे गए, सड़कों की मरम्मत कैसे की गई, यह एक बानगी है उत्तर प्रदेश की। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से हल्के हाथ लगाने से ही सड़क उखड़कर चली गई। जब वाहन इस पर चलेंगे तो वाहनों का क्या होगा और सड़क का क्या होगा, यह आप खुद सहज अनुमान लगा सकते हैं। आप खुद इस वीडियो को देखिए और सहज अनुमान लगाइए कि आखिर इसमें कैसा क्या है और क्या दिख रहा है, क्या घोषणाएं होती हैं, हकीकत में क्या होता है। और उनको फैमिली पूरी नहीं जा रही, कहूँ कमाई कर रहे हैं, आज 50% है, जरूरत है सामने आए तो बात करें। अच्छा इंसान से पब्लिक से, पब्लिक इतनी चूतिया ना है, जरूरत है। इस वीडियो में आपने देखा कि सड़क का निर्माण जो हुआ उसमें गुणवत्ता की कितनी धांधली की गई, कितनी धज्जियां उड़ाई गई सड़क निर्माण पर, या धोखा नहीं तो और क्या है। अब इसमें यह देखें कि इस तरह के अगर विकास कार्य होते हैं तो वह कितने दिन चलेंगे, कितने गंभीर हैं अधिकारी और कितने गंभीर हैं इस कार्य को करने वाले ठेकेदार। एक पूरे सिस्टम की बात है, विकास कार्य होने चाहिए लेकिन गुणवत्ता और रखरखाव दोनों साथ में सुनिश्चित भी होना चाहिए। बात चाहे शिक्षा व्यवस्था की हो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की हो, विकास कार्यों की हो, या समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने बिगाड़ने की बात हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं एक बड़े सुराख नजर आते हैं सिस्टम में। शिक्षा विभाग में किस तरह से सुराख है ये आपने देखा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कितना सुराख है ये आपने देखा, विकास कार्यों में कितनी धांधली हो रही है यह भी आपने देखा। तो इस संपूर्ण परिदृश्य में आप देखें तो हमारे देश के जवान सीमा की सुरक्षाओं में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कतिपय लोग, चाहे वो नौकरशाही हो या एक सिस्टम के लोग हों, देश को, खास तौर से उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं यह खोखला कर रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ लिख कर योग्य नहीं बनेंगे तो भी मुश्किल है, वह अपना जीवन कैसे आगे, जीवन का सफर कैसे तय करेंगे। अगर किसी को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो वह अपना जीवन कैसे तय करेगा। यह बहुत सारी चीजें हैं जो पूरे सिस्टम को बयां करती है कि कहां क्या हो रहा है। अब ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश को बद से बदतर या बदहाल कहा जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं।
वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।